साथियों, दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है, लेकिन दीदी ये भूल रही है कि इस बार खुद बंगाल की जनता उनके विरोध में खड़ी है। 10 साल का विश्वासघात, 10 साल की दुर्नीति, इसकी सजा अब बंगाल के लोग इस चुनाव में उन्हें दे करके रहेंगे। कोलकाता की ब्रिगेड रैली के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है। 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से ये सब कुछ करवा रही है। दीदी, आप ये सब करते रहिए, हर तरह से खेलते रहिए, लेकिन ये मत भूलिए कि बंगाल की जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है। बंगाल की जनता को याद है कि गाड़ी से उतरकर आपने कितने लोगों को डांटा फटकारा है और पुलिस को कह रहे थे पकड़ो, जेल में डाल दो। तुष्टीकरण के लिए आपकी हर कार्रवाई बंगाल के लोगों को याद है। साथियों, आपको याद है ना, दीदी के सारे कारनामे याद है ना, बंगाल की जनता को याद है जब आपने देश की सेना पर तख्ता पलट की कोशिश का आरोप लगाया, जब पुलवामा हमला हुआ तो आप किसके साथ खड़ी थी, ये भी बंगाल के लोग भूले नहीं। साथियों, 2-3 दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बंगाल में घुसपैठ को हवा देने के पीछे भी वजह एक ही है, तुष्टीकरण, वोट बैंक की सियासत। देश को वंदे मातरम का पाठ पढ़ाने वाली इस
पवित्र धरती पर दीदी के इस व्यवहार की उम्मीद किसी को नहीं थी। इसलिए बंगाल के लोग बहुत पहले से मन बना चुके हैं, बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। लोगों का ये इरादा देख दीदी अपनी खींच मुझ पर निकाल रही है, वो क्या क्या नहीं कह रहे, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी भड़की हुई है, लेकिन हमारे लिए तो देश की करोड़ों बेटियों की तरह दीदी भी भारत की एक बेटी है जिनका सम्मान हमारे संस्कारों में रचा बसा है। और इसलिए जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके पैरों की चोट जल्द से जल्द ठीक हो। भगवान के प्रार्थना कोरी आपनी शीघ्र ही सुस्त हो उठे।